केवल चापलूसी करने वाले, गलत राय देने वाले, इतना अच्छा परिणाम होने वाला था अगर समाज आदि से काम ले लिया होता। तो न ये समाज आदि पार्टी असली समाज आदि है। हमारे साथ में जो हुआ है छपा नहीं किसी से भी नहीं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से समाजवादी पार्टी मैनपुरी में 5 दिसंबर को होने वाले लोकसभा के उपचुनाव की तैयारी में लगी है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी से पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा अभी बाकी है। हाँ, ये जरूर है कि तेज प्रताप यादव का नाम लगभग तय है, लेकिन इसी दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने गोरखपुर में एक बड़ा बयान दे दिया। ऐसा बयान अब सपा की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं पूरा बयान। लड़ाई तो जनता लड़ी जाएगी, अकेले के लिए रास्ते हैं। ये समाजवादी पार्टी असली समाजवादी है। यहाँ पर कोई लालची नहीं है, और कोई लालच में अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं। तो अब लड़ाई असली और नकली की छिड़ गई है। शिवपाल कह रहे हैं कि असली समाजवादी हम हैं। शिवपाल सिंह के इस बयान के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें से एक ये भी है कि क्या अब शिवपाल भी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, या फिर वो अखिलेश के सपा प्रत्याशी का विरोध करेंगे। मैनपुरी में आपका झटका मिला है आपको, ऐसा लग रहा है। आप देखिए, मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला है। आप कभी कोई जल्दी नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मामला इसलिए और भी पेचीदा है क्योंकि तेज प्रताप यादव तो परिवार के हैं, वो परिवार जिसमें शिवपाल भी हैं, लेकिन शिवपाल ने तो अब इस पर भी हमला बोल दिया। शिवपाल ने बिना नाम लिए कहा कि जो परिवार का नहीं हो सका वो सफल नहीं हो सकता। हमने तो कई मौके दिए, कई मौके दिए, लेकिन उन मौकों पर सफलता क्यों नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली? ये सोचना चाहिए था, ये विचार करना चाहिए था। लेकिन जो चापलूसी करने वाले, केवल चापलूसी करने वाले, गलत राय देने वाले, गलत राय देने वाले से दुनिया बनाना पड़ता। लेकिन अब जो लोग परिवार को साथ नहीं रख सकते, अच्छे लोगों को साथ नहीं रख सकते हैं, मेहनती लोगों को, अच्छे लोगों को साथ नहीं रखते हैं, वफादार लोगों को साथ नहीं रख सकते हैं, तो वो कभी सफल नहीं हो सकते। शिवपाल का ये सीधा हमला अखिलेश यादव पर था, और शिवपाल अपना दर्द भी नहीं छिपा सके। शिवपाल ने ये भी कहा कि मेरे साथ जो भी हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। पर आज भी हम लोगों के साथ ही है, साथ ही है, तो अलग है। ये नहीं होना चाहते थे, मजबूर किया गया। हमारे साथ भी जो हुआ है वो छिपा नहीं किसी से भी नहीं। और 22 का तो इतना अच्छा परिणाम आने वाला था, इतना अच्छा परिणाम आने वाला था अगर समाज आदि से काम ले लिया होता। फिलहाल अब देखना होगा कि शिवपाल सिंह यादव का अगला कदम क्या होता है। वहीं अखिलेश यादव की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।